हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 3rd of October यानी कि थर्सडे को जो एक्सपायरी होने वाली है उस पर हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, कौन से स्टॉक्स हम ले सकते हैं और बैंक निफ्टी निफ्टी पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। सो गाइस, उससे पहले हम बात करेंगे कि ट्यूजडे को जब 1st October को हमने आपको स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, उसमें से जो हमने रिकमेंड करे थे आपको गाइस कॉन्कोर करा था, ICICI प्रू करा था, TCS रिलायंस TCS करा था, इन्फोसिस करा था और SBI का। सो गाइस, कॉन्कोर की बात करें तो वो मैंने आपको खुद भी बताया था कि अपने अपने क्लाइंट्स को दे रखा था और आप अभी भी बाय करके चल सकते हैं, अपसाइड इसमें बाकी है तो उसका टारगेट अचीव हो गया था। SBI का हमारा गाइस पहला टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद हमने एक बहुत ज़्यादा डाउनसाइड देखी। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आपको फर्स्ट टारगेट तक ही रुकना है, सेकेंड टारगेट होते हैं कि आप 2-3 दिन पोजिशनल पर्पज से रुके या रिस्की ट्रेडर्स। गाइस, TCS और अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो उनके हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए और IT सेक्टर में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। तो ये जो दो ट्रेड थे हमारे लिए एक नेगेटिव साइड में गए और लॉस मेकिंग गए थे। ICICI प्रूफ की बात करें तो गाइज उस पर भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था। सो हमारे 4-5 में से 2 ट्रेड ही मंडे को सक्सेसफुल रह पाए थे। पीछे की अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें से हम देखते थे कि 5 में से 4 स्टॉक अचीव हो जाते थे, मैक्सिमम दोनों टारगेट्स अचीव हो जाते थे। कल हमने देखा था कि जो IT सेक्टर था उसमें एक रिवर्सल आ पाया, तो जो टेक्निकल्स थे वो हमें नहीं बता पा, तो उसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर जिन लोगों ने भी उससे लिया और लॉस हुआ IT सेक्टर पे। अब हम बात करते हैं कि गाइस थर्सडे को किस तरीके से काम करना है। तो 5 स्टॉक्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इंडिया सीमेंट, HEG, रिलायंस, जिंदाल स्टील और एशियन पेंट्स। ये 5 स्टॉक्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ गाइज, वो उनके लिए है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है मेरे कोर्स के ऊपर और जिन लोगों ने भी मेरे कोर्स को परस्यू करा, उनके लिए एक बात ये है कि मैं उन लोगों को मैसेज भी और मेल भी भेज दूंगा कि गाइज आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आप जो बार बार बोल रहे हैं कि आप हमें लिंक सेंड नहीं कर रहे, जिन जिन लोगों को भी मैंने लिखा है कि हम आपको लिंक सेंड करेंगे, उनको हम लिंक सेंड ज़रूर करेंगे। गाइज, मैं अकेला हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, जो पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है, PPT से लेके वीडियो से लेके A to Z एडिटिंग तक मटेरियल प्रोवाइड कराना, तो सारा का सारा काम गाइस मैं अकेले खुद कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। तो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहली वीडियो आपको बता दी गई है कि आपको 7 तारीख तक मिल जाएगी, तो तभी आपको एक दिन पहले आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पर लिंक सेंड कर दिया जाएगा। जो आप बार बार बोल रहे हैं हमें लिंक सेंड करिए ग्रुप का, गाइस उस ग्रुप पे आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं, उस ग्रुप पे सिर्फ आपको लिंक सेंड करे जाएंगे और सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर मैं ग्रुप अभी भी बना देता हूँ तो वीडियो आपको एग्जैक्ट 7 तारीख को ही मिलने वाली है। तो आप मुझे बाबा मैसेजेस मत करिए कि आप वीडियो सेंड लिंक नहीं कर रहे हैं, हम आपको ज़रूर करेंगे जिन जिन लोगों को हम लिख चुके हैं। गाइस, दूसरी बात यह है कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और जो ये कोर्स है गाइस, ये कोर्स टेक्निकल एनालिसिस जो एक पर्टिकुलर कोर्स है, एक जो सब्जेक्ट है, वो बहुत डीप है, वो बहुत ज़्यादा वाइड है। सो गाइस, उस पर्टिकुलर कोर्स की हम जो बात कर रहे हैं, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उस पर मैं सिर्फ 50% ही कवर करूँगा। 50% जो वो कवर करूँगा उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, किस तरीके से चार्ट हमें देखना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए और कैसे हम ट्रेड ले पाए। और जो आगे की जो 50% जो और कोर्स का जो इन्फॉर्मेशन रह जाएगी वो हम अगले टाइम कवर करेंगे। एक नया कोर्स और आएगा जिस पर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक यानी कि पूरा 100% का कोर्स सिखाया जाएगा। गाइज, ये फ्री कोर्स है तो ना मैं आपसे कोई चार्जेस ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है आप लोगों के लिए। तो आप वेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आने वाला है। अब हम बढ़ते हैं गाइज, कौन से स्टॉक्स की तरफ हमें पहले ट्रेड लेना है। तो इंडिया सीमेंट बाय करने की सलाह दी जाएगी, 80.5 का CMP है, बाय करिए। 82-85 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इंडिया सीमेंट पे। स्टॉप लॉस आपको 78.9 का मेंटेन कर रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। कई अभी 1-2 दिन से मार्केट हम देख रहे हैं बहुत वॉलीटिलिटी की तरह से काम कर रही है। सो आपको जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लीजिए, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा, या फिर अपने कॉस्ट तक अपने एक स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लीजिएगा जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखा रहा हो। क्योंकि इससे यह है कि जब मार्केट एक रिवर्स ले या पर्टिकुलर स्टॉक्स रिवर्स ले तो आपको लॉस ना हो या लिमिटेड लॉस हो। HEG बाय करने की सलाह दी जाएगी, 970-971 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग कैंडल बनती है तो ही हमें बाय करना है। 981-989 के स्टॉप लॉस टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 959 का क्लोजिंग बेसिस के अंदर मेंटेन करना होगा। रिलायंस बाय करने की सलाह दी जाएगी, रिलायंस में हमने कल एक डिप देखी है,
एक दोबारा बाय के लिए वो बनाए रिलायंस, तो 1304 इसका सी एम पी एंड 1294 का स्टॉप लॉस से मेंटेन करिए। 1313-1390 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से रिलायंस का चार्ट पैटर्न सजा रहा है कि 1300 या 1306 के लेवल पे एक सपोर्ट है और वहां से हम एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फोर्थ आता है गाइज जिंदाल स्टील। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो गाइज हम देख रहे हैं कि दो तीन दिन से हम एक गिरावट देख रहे हैं, पर अब शायद ये ओवरसोल्ड हो चुका है, चार्ट्स में ओवरसोल्ड लग रहा है और अब शायद यहाँ से एक दो दिन बाइंग आ सकती है या एक दो दिन ये ऊपर जा सकता है शॉर्ट कवरिंग के थ्रू। सो गाइस बाय करने की सलाह दी जाएगी जिंदाल स्टील में। 97.5 का सी एम पी है, 94 का करंट मार्केट प्राइस, क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 99.103 के टारगेट्स के साथ आप जिंदाल स्टील को बाय कर सकते हैं। एशियन पेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी। 1763 का सी एम पी है, 1750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। 1771-1779 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एशियन पेंट्स के। सो गाइस आप देख रहे हैं कि जो पांच स्टॉक्स मैंने आपको बताया है पांचों बाय साइड में है, तो यानी कि आप मुंबई मार्केट का समझ गए होंगे कि मार्केट किस तरीके से डायरेक्शन ले सकती है, चार्ट में किस तरीके से डायरेक्शन दिखा रहा है। सो अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना। उससे पहले हम गाइस बढ़ते हैं कि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अगर जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियो पे गाइज आपको पता होगा मैंने आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखाई थी और ऑर्डर बुक पे आपको मैंने बताया था, अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर खुद भी आपको दिख जाएगा कि मैंने 29,500 की कॉल ऑप्शन बाय कर रखी थी। वहाँ पर जब हमने देखा था कि फर्स्ट 30 मिनट्स में जब हमने देखा था कि 29,500 का टारगेट अचीव हुआ, हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली और वहाँ कॉल से निकल गए थे। दूसरी बात गाइज, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी आपके लिए ट्यूजडे के लिए, तो उसके बाद जब मैंने रात को एक बार निफ्टी का ऑप्शन डाटा चेक करा या बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा चेक करा, तो गाइज मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर एक हर्डल है, यानी कि 29,500 पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मुझे नहीं लगता कि वो थर्ड एक्सपायरी तक उसके ऊपर जा सकता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और उसके बाद जब हमने देखा कि जब मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा जो हैवी ओपन इंटरेस्ट और जो पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही थी सबसे ज़्यादा, वो 28,500 में देखने को मिल रही थी। गाइस 28,500 पे यानी कि 1,000 पॉइंट नीचे हमें एक सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी, तो हमें लग रहा था कि शायद मार्केट एक डिप दे सकती है 500 से 600 पॉइंट तक की। और गाइज मैं अगर आपको बताऊं तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैंने कॉल्स कल नहीं प्रोवाइड करा पाया था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। सिर्फ मैं एक या दो ट्रेड खुद ही ले पाया था, जो भी मुश्किल से मैं ले पाया था, और मैं ज़्यादातर मार्केट में नहीं बैठ पाया था, तो मैं इसलिए कॉल्स प्रोवाइड नहीं करवा पाया था। गाइज जिस तरीके से हमने देखा था मार्केट पर एक रिवर्सल आया था, तो मैंने 29,500 की जो मैंने कॉल बाय कर रखी थी, जैसा आपको मैंने बताया था अपनी ऑर्डर बुक पे 200 रुपये पे, वो मैं 300 रुपये के आसपास निकल गया था। और उसी टाइम मैंने उसी एक्सपायरी की 29,500 की कॉल जब दोबारा 200 रुपये पे आई, तो मैंने वहाँ पर उसकी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया 200 रुपये में, और जो एग्जैक्ट मैं लेवल पे निकला हूँ वो 50 रुपये में निकला, यानी कि मुझे वहाँ से भी 150 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग अचीव हो गई थी ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ वो अपने प्लेटफॉर्म पे ही करता हूँ, पर मैंने जनरली यहाँ पर करी थी क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से पुट राइटिंग में हम देख रहे थे कि मुझे लगता था वो लेवल आ सकता है, और नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट 28,000 के लेवल पर जुड़ रहा था, यानी कि आप देख सकते हैं 1,000 से 1,500 पॉइंट नीचे हम देख रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट गाइस जुड़ रहा था, तो वहाँ पर हम एक करेक्शन देख सकते थे। उसके बाद हुआ ये गाइस कि हमने 28,800 की एक कॉल ऑप्शन बाय करी थी जब 28,040 का लेवल टेस्ट करा था, और वहाँ से हमने 700 रुपये के आसपास बाय करी थी, और हम 1,000 रुपये पे आधी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। अभी भी हमारे पास आधी 5 लॉट यानी कि होल्डेड है। ये गाइज अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ, तब मैं मार्केट पे था, पर मैं वो ऑप्शन सेलिंग आपको नहीं दे पाया क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके पास ज़्यादा फंड नहीं है कि वो ऑप्शन को सेल कर सके और उस पर ट्रेड ले सके, तो मैं ऑप्शन बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। पुट पे मैं ऑप्शन बाय इसलिए नहीं करना चाह रहा था गाइज, क्योंकि उस पर हमें थोड़ा बहुत चार्ट्स पे अगर हम देखें तो चार्ट्स में हमें वो इंडिकेशन नहीं मिल रहा था कि इतनी डीप डाउन करेक्शन आ सकती थी, इसलिए हमने एक ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को इनिशिएट किया। अब गाइज हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, क्या निफ्टी ने सपोर्ट को तोड़ा और उसके ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 11,360 की क्लोजिंग है, और मार्केट ने जो लो बनाया, जो निफ्टी ने लो बनाया, वो बनाया 11,250 का, जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा है ये शैडो, आपको जो लंबी शैडो दिख रही है वो बनाया इसने 29,250 का, इसने लो बनाया। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपके लिए अक्टूबर 1 अक्टूबर को वीडियो पहली बनाई थी, तो
तो मैंने आपके लिए ये दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी थी और साइड में ये पैटर्न ड्रॉ करा था, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो पे। तो मैंने आपको बताया था जो रेड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये जो ग्रीन लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ऐसा बना है। सो ये लाइन्स हमने ड्रॉ करी थी। आप देख सकते हैं कि एक जब हमने देखा था कि कॉर्पोरेट टैक्स का कट आया था, हमने एक स्ट्रांग मूवमेंट देखी थी। स्ट्रांग मूवमेंट देखने के बाद अगले दिन भी हमने एक स्ट्रांग मूवमेंट देखी थी पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर। अब उसके बाद हम देख रहे थे कि लगातार हम मार्केट नीचे जा रही है, डाउन साइड जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये रेंज बन गई थी और रेंज बनने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कल इस रेंज को तोड़ा, डाउन साइड पे तोड़ा, 100 पॉइंट उस रेंज के नीचे गया। पर एंड जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तो हमने देखा कि वो उसी रेंज के अंदर या इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर जाके ही क्लोज हुआ। तो हम कह सकते हैं एक बाय मोमेंटम दोबारा इनिशिएट हो सकता है पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि क्लोजिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लोजिंग कैंडल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे, क्योंकि ये शैडो है जो जनरली 30-40% ट्रेडर्स का लॉस करवाती है। तो शैडो के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो गाइज आप हमेशा लॉस में बुक करेंगे। तो आपको बार बार मैं ये सलाह देता हूँ, क्लोजिंग बेसिस या कैंडल ऊपर बने तभी आपको बाय करना है, इसीलिए देता हूँ। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर दोबारा निफ्टी ट्रेड हो गया है। अगर अब हम इसे आर्ली चार्ट पे लेकर चलते हैं तो वहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आप गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर काम कर रहा है और हमने देखा इस रेंज को इसने तोड़ा और तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने एक दोबारा एक अपसाइड दिखाया और उस रेंज के ऊपर जाके क्लोज हुआ। दूसरी बात, ये जो हमने एक डाउन साइड देखी है वो डाउन साइड एक और इम्पॉर्टेंट लेवल था 211,250 का। अगर ये डाउन साइड टूटती, जो ये रेंज टूटती थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही लेवल थी कि यहाँ तक आ सकते हैं। कैसे आ सकता है? जिस दिन कॉर्पोरेट टैक्स का कट हुआ, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो मार्केट की क्लोजिंग थी इस साइड पे। एक सेकेंड गाइस, मैं दोबारा चार्ट को रीओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें एक इश्यू देखने को मिल रहा है। हाँ, सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जब कॉर्पोरेट टैक्स का रिजल्ट आया था, मार्केट की क्लोजिंग जो उस दिन हुई थी वो इस लेवल पे हुई थी और अगले दिन मार्केट पे हमने देखा था वो इस लेवल पे खुला था। गाइस आप देख सकते हैं जो एक ह्यूज गैप अप हुआ था उस गैप को आज निफ्टी ने फिल कर दिया था, यानी कि वेडनेसडे के सीरीज पे फिल कर दिया था। अगर हम इस गैप का लो ले और निफ्टी का लो ले तो एग्जैक्ट वही लो बन रहा, वही सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस करा, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर अब दोबारा निफ्टी एक अपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है और दो रेड कैंडल बनाती है, दो रेड कैंडल बनाने का इन द सेंस मैं बता रहा हूँ, अगर 30 मिनट चार्ट्स पे अगर ये दो रेड कैंडल बनाती है तो ही जाके हमें इस पे शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करना होगा। और जो शॉर्ट पोजीशन हम इनिशिएट करेंगे उसका टारगेट होगा 11,140 का लेवल। गाइज ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, तो यहाँ तक एक पर्टिकुलर निफ्टी एक बाउंस और ले सकती है नीचे की तरफ और हम एक हाई लेवल उसके बाद एक्सपेक्ट करें। गाइज अब हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की और निफ्टी पर रिस्की ट्रेडर्स की बात करेंगे। तो एक सेकेंड, आप देख सकते हैं कि जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो अबव ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। सो आपको ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है? जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे जब मार्केट ओपन होए तभी अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर वो इस रेंज के ऊपर खुलती है तभी की बात हो रही है। स्टॉप लॉस आपको अपना लो लगाना पड़ेगा जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग थी जो 11,250 की थी, और आपके जो टारगेट्स होंगे वो अपर हायर ट्रेंड लाइन के होंगे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 11,550 का। यानी कि आप यहाँ से 200 पॉइंट तक की एक एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट रख सकते हैं जिसपे आपको 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो 1:2 का रिस्की ट्रेडर्स के लिए एक प्रॉफिट आ सकता है। अगर हम सेफ ट्रेडर्स की बात करें तो सेफ ट्रेडर्स को कब पोजीशन बाय करनी है, तो आप ये एक ब्लू कलर का एक चैनल और देख रहे होंगे। तो जब तक ये चैनल के ऊपर नहीं जाता क्लोजिंग बेसिस पे, 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज नहीं करता तब तक हमें बाय पोजीशन नहीं बनानी है, ओनली फॉर सेफ ट्रेडर्स आई एम टॉकिंग। सो 11,430 के ऊपर ही क्लोज करता है बाय करिए, टारगेट आपका 11,550 होगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो आपको 11,370 का क्लोजिंग बेसिस के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये का आपको एक टारगेट मिल सकता है जिसपे आपको अराउंड 30-40 पॉइंट का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो सेफ ट्रेडर्स और रिस्की ट्रेडर्स के लिए बाय के लिए मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं, स्टॉप लॉस और अगर नीचे जाता है तो नीचे के लिए भी आपको बता चुके हैं। वो दोनों के लिए सेफ ट्रेडर्स हैं कि जैसे ही इस लेवल के नीचे निकलता है 11,300 के नीचे निकलता है क्लोजिंग बेसिस के अंदर, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 11,150। 200 पॉइंट का टारगेट आपको यहां से भी मिल सकता है और स्टॉप लॉस आपका यहां पर सिर्फ 50 रुपए का होगा। तो ये दोनों तरीके से आपको निफ्टी के आपको ट्रेड्स बता दिए गए हैं।
बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस, तो बैंक निफ्टी पे आपको मैंने वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर रेंज के अंदर काम कर रहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियोस पे भी डिस्कस करा था। जो ये आप नीचे का सपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और हायर साइड में ये 50 का मूविंग एवरेज है। सो इस रेंज के अंदर काम कर रहा था। अगली बार हमने देखा था कि कॉर्पोरेट टैक्स का जब कट आया तो हमने देखा एक मोमेंटम आई, उसको ब्रेक कर दिया पर्टिकुलर रेंज को। आज हमने देखा था कि किस तरीके से उसने रेंज को तोड़ा, अपनी इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ा और नीचे गया, पर आखिरी में जाके इस रेंज के ऊपर जाके ही इसने क्लोजिंग दी। ये देख सकते हैं गाइस, ग्रीन कलर का ये जो आप देख रहे हैं चैनल, ये जो आप ब्लू कलर का चैनल देख रहे हैं, कितना सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा था इधर साइड, इस चैनल के अंदर इसने सपोर्ट फेस करा और यहाँ पर भी इसने सपोर्ट फेस करा आज के बाद। सो अब हमें देखना है कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड लेना है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 30 मिनट चार्ट हमने 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने भी मोमेंटम दिखा के रिवर्स करा। हमने एग्जैक्ट इस लेवल पे बाय करा था, हमने लोअर लेवल पे, तो अभी भी हमारी पोजीशन होल्ड है। तो गाइस एक हर्डल है, उस हर्डल के ऊपर हमें जाके बाय करना। 28,800 के ऊपर कल अगर आपको मार्केट मिलती है, बैंक निफ्टी मिलती है, तो आपको बाय करना है। पहला टारगेट आपका 29,000 होगा, सेकेंड टारगेट आपका 29,200 होगा। नीचे की तरफ अगर आपको मिलती है तो आपको नीचे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, जब ये पर्टिकुलर लाइन के आपको नीचे मिल जाए, यानी कि आपको यहाँ पर 28,350 के नीचे मिलती है, दो क्लोजिंग बेसिस कैंडल्स होनी चाहिए 30 मिनट चार्ट्स के अंदर, तभी आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है। और जो आपके टारगेट्स होंगे वो आपके टारगेट्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपका जो लो है 28,000 का, और जो आपका सेकेंड है वो और भी डीप डाउन जा सकता है, तो हम बीच में ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। सो आपको बाय साइड में और लोअर साइड में आपको दोनों तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बता दिए गए हैं। साइड बाय साइड आपको 5 जैकपॉट इंट्राडे टिप्स भी प्रोवाइड करा दी गई हैं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो जो भी मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं यूट्यूब पे सबसे पहले आप देख सकते हैं और ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। गाइस अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कोर्स के बारे में, तो मेरे पास अभी भी बहुत सी इंक्वायरी आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे बैचेस थे वो बैचेस फुल हो चुके हैं, यानी कि गाइस 6 बैच फुल हो चुके हैं और हमने अब क्लोज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जिन लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था, मैं उन लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप मेरे पे भरोसा करके, ट्रस्ट करके आप मेरा कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत एजुकेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, और आपको बहुत सिंप्लिसिटी से आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्या आपको ट्रेड इनिशिएट किस तरीके से करना चाहिए। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं शिवांश बसीन साइनिंग ऑफ।